मैं शोभनी और मैं आज आप लोगों के लिए खासतौर से उन औरतों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो कहती हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सारे दिन काम करना पड़ता है, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ कि आपके पास टाइम कहाँ पर होता है, अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है, जिसमें आप कुछ भी अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि करना पड़ता है तो उसके लिए टाइम निकालना भी पड़ता है। तो वो टाइम आप कहाँ पर निकाल सकती है, मैं आज आप लोगों के साथ इसी से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सी औरतों का या हाउसवाइफ का कहना होता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं सुबह से स्टार्ट हो जाती हूँ और शाम तक काम करती हूँ। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप फ़ोन चलाती हैं? फ़ोन तो चलाती होंगी, व्हाट्सएप भी चलाती होंगी, फेसबुक भी चलाती होंगी, नॉर्मल है, क्योंकि हमारा काम सारे दिन नहीं होता, हम ही जानते हैं हमें कहाँ पर टाइम निकालना है। जब आप अपने फ़ोन को व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए आपके पास टाइम होता है, तो कुछ भी काम करने के लिए टाइम क्यों नहीं होता है? जिस वक्त आप व्हाट्सएप या फेसबुक चला रहे हो, उस वक्त आपको जो काम करना है अपने लिए वो काम कीजिए। बताऊँ तो मेरे भी दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर मुझे यूट्यूब पर वीडियो डालनी है, बनानी है, तो चाहे मेरा काम सारा डला रहे, मुझे ये काम करना है तो भाई मैं इसको करती हूँ, काफ़ी मेहनत से करती हूँ। अगर मुझे कभी कभी रात भी हो जाती है तो मैं रात में भी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन वीडियो डालना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग कोई भी काम करते हो तो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, उसको टाइम निकालना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए आपको थोड़ा तो मोटिवेट होना पड़ेगा, मतलब उस काम को करने के लिए आपको थोड़ी कुछ कामों को अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना लिए कुछ काम कर सकती हैं। आजकल आप लोगों को पता है हर घर में मेड आती है, खाना बनाने वाली आती है, झाड़ू पोछा वाली आती है, सारी मेड्स अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे से मिल जाती हैं। इतनी मेड वगैरह घर पे होने के बावजूद भी, या कहा जाए इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी आप और हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, ये कहना बेकार है। हमारे पास बहुत टाइम होता है। आजकल तो हम लोग अपने छोटे छोटे से जरा से नर्सरी या फर्स्ट में जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनको भी ट्यूशन भिजा देते हैं। पहले आप लोगों ने देखा कहीं इतने छोटे क्लासेस के बच्चे ट्यूशन जाते थे, मम्मी लोग घर पे ही पढ़ाती थी। अब आप लोग कहोगे भाई पहले की पढ़ाई दूसरी थी तो मम्मी लोग पढ़ा देती थी, आजकल नहीं आ रहा है। लेकिन आजकल हम लोग भी इतने पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, कि अपने बच्चों को कम से कम 8th क्लास तक तो ट्यूशन दे ही सकते हैं, घर पे ही पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाती हूँ, बाहर ट्यूशन के लिए नहीं निकालती हूँ ना भिजाती हूँ। आप लोग सोचिए, अगर वो आज आप लोग इतने से बच्चे को ट्यूशन पहुंचा रहे हो और ख़ासतौर से ये कह के पहुंचा देते हैं कि भाई मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, तो आपने सोचा है जब वो 12th स्टैंडर्ड में होगा तब आपकी बात सुनेगा? अगर आज आपकी बात नहीं सुन रहा तो जब 12th में होगा तब सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। जो इतनी पढ़ी लिखी है, आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाइए, खुद घर पर ट्यूशन दीजिए, और आपको जो काम करना है, काम कुछ भी काम करने के लिए आपको कुछ कामों को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, ये आप लोगों को भी मालूम है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपने सारे काम को अलग कर देती हूँ, पर वीडियो पे पूरा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे दिन वीडियो डालना ही पड़ता है। आप लोगों को अगर कुछ करना है, करना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहते तो भी वो पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये नोट करना है कि आप फ़ोन के किस ऐप पर सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, मतलब दो तीन घंटे आप निकाल लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। चाहे सबसे पहले उसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक करने से आपको खुद पता चलेगा कि आप उसमें कितना समय बर्बाद करते थे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।